नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिल्मी सेंट यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ बात करने वाला हूँ मिसिस सीरियल किलर मूवी के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है, आज ही रिलीज़ हुई है। तो क्या आपको मिसिस सीरियल किलर मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, वो आप अगर मेरा रिव्यू देख लेंगे या फिर मेरे ओपिनियंस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं फिल्मी सेंट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात मैं बता देता हूँ, फिल्म की जो कहानी है उसे लिखी है शिरीष कुंदर ने और जो डायरेक्टर है वो है फराह खान। तो ये काफ़ी होगा आप लोगों के लिए ये समझने के लिए कि फ़िल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फिल्म के नाम से ही आप में से काफ़ी सारे लोगों को स्टोरी का आइडिया लग जाता है कि जैसे कि मिसिस सीरियल किलर नाम रखा गया है, तो फिल्म में कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसके पति को सीरियल किलिंग के आरोप में पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर उसको अपने पति को छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अपने पति को बचाने के लिए वो क्या करती है और किस हद तक जाती है, तो बेसिकली वही इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। और जो ये कोशिश करती है अपने पति को बचाने की, तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे जैसे मोमेंट्स तो वैसे सीरियस होने चाहिए पर अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो काफ़ी आपको फनी लगते हैं। तो ये कहीं से भी थ्रिलर के जैसा आपको फील नहीं दे पाता है। फिल्म में लीड एक्टर की बात करें तो जैकलिन फर्नांडिस है जो कि मिसिस सीरियल किलर बनी हुई है, उसके अलावा मनोज बाजपेयी है जो कि मृत्युंजय मुखर्जी का रोल प्ले कर रहे हैं। वो पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट है और शहर में बड़ा ही उसका नाम होता है और उसी को सीरियल किलिंग के आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है। और उसके अलावा मोहित रैना भी फिल्म में है जो कि पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं और साथ ही साथ वो जैकलिन फर्नांडिस के एक्स बॉयफ्रेंड भी होते हैं। तो फिल्म में कुछ इस तरह से स्टोरी को बनाया गया है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन सीरियल किलर है, किसने किया है, तो आपको मतलब ऐसे इंटरेस्ट जगेगा। पर जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तब भी आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअल में जो सीरियल किलर होता है वो कौन होता है। तो अगर शुरुआत में ही आप देखेंगे तो ऐसे मतलब इजीली आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सीरियल किलर कौन है या फिर ये सारे खून कौन कर रहा है। तो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है पर बीच में जो थ्रिल आना चाहिए वो थ्रिल आता नहीं है और थ्रिलिंग की जगह थोड़ा ज़्यादा फनी ही हो जाता है। वो फिर जैकलिन फर्नांडिस जो लड़की को किडनैप करती है सीरियल किलिंग के लिए, तो वो जब वहाँ पे उसे पकड़ने जाती है तो वहाँ पे जो पूरा सीन हो जाता है वो पूरा ही फनी हो जाता है। वहाँ पे कहीं पे भी सीन में कोई भी सीरियसनेस नहीं रह पाती है और साथ ही साथ म्यूज़िक भी ऐसे दिए गए हैं कि सीन को जैसे कि फ़नी बनाने की ही कोशिश की गई है। तो फिल्म में एक्चुअल में सीरियल किलर होता कौन है, वेल अभी उस चीज़ का आंसर तो आपको फिल्म देख के ही पता लगेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा तो फिर सारे फिल्म का सस्पेंस जो है वही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा कि एक्चुअल में सीरियल किलर होता कौन है। तो अगर आप देखना चाहें तो फिल्म देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है पर हाँ अगर आप देखेंगे ठीक है, आपके पास फ्री टाइम है तो आप देख सकते हैं। और अगर आप और रेटिंग की बात करेंगे तो मैं इसे 5 में से 3 स्टार दूंगा। स्टोरी इतनी ज़्यादा खास तो नहीं है पर आपको मतलब थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्ट जगा देती है कि आखिर ये सीरियल किलिंग कर कौन रहा है। पहले आपको कोई और लगता है फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो आपको कोई और सीरियल किलर लगने लगता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो होता है पर आखिर में आपको मतलब पूरा स्टोरी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है, अगर आप घर पे बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है तो आप फिल्म देख सकते हैं पर हाँ बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना इस फिल्म से। तो बस यही थे मेरे ओपिनियंस या फिर रिव्यू मिसिस सीरियल किलर के बारे में। अगर आपके ओपिनियंस भी सेम हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने ऑलरेडी फिल्म देख ली है तो, नहीं देखी है तो उसके बाद भी आप रिव्यू देखते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी या फिर मेरे ओपिनियंस कैसे लगे। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए और फिल्में देखते रहिए।